कि हम चेयरमैनी हम युद्ध लड़ेंगे। का वादे पूरे करेंगे, चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे। और लगता है भैया भूपेंद्र चौधरी जी ने इनकी बातें सुन ली, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भैया। तब तो देख लो दूसरे चरण की लिस्ट जारी हुई और फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया, नगर पालिका चेयरमैन पद का प्रत्याशी कोई और नहीं शशि श्रीवास्तव को बनाया गया, सिटिंग चेयरमैन है भैया, इनको फिर से मैदान में उतारा गया और पार्टी ने भरोसा जताया। हमने बताया इनसे फोन पर बातचीत भी की थी कुछ दिनों पहले, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। सुनो भैया किस प्रकार से कह रही थी कि देखो भाई देखो हम तो चुनाव लड़ेंगे, दमखम के साथ लड़ेंगे और वादे पूरे करेंगे। हम चेयरमैनी लड़ेंगे अपने पूरे के वायदे पूरे करेंगे, सब जी सब कुछ करेंगे। श्रीवास्तव की यही सब बातें सुनकर के पार्टी ने फिर से मौका दिया है और फिर से बगैर भरोसा जता करके मैदान में उतारा है। अब जनता भैया कितना भरोसा करेगी ये देखने वाली बात होगी, ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। अभी बगैर कल जाएंगे नामांकन भी करेंगे, कहेगा कल है आखिरी तारीख है। और एक साथ ही साथ जिलाध्यक्ष जब नॉर्मल बीपी वाले हो तो सब काम भैया नॉर्मल है होता है और बढ़िया ठीक ठाक है होता है। जिलाध्यक्ष शशांक उसमें उनकी बीपी नॉर्मल रहती है, एक वीडियो हमारे पास तो दिखा दे, अरे देख लो मजा आ जाएगा। तभी देखो जी आपकी बीपी जांच हुई कितना निकला? हमारा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और 140 बटे 80 है। नहीं थोड़ा बढ़ा है? नहीं बिल्कुल बीपी नहीं बढ़ा है, मेरी उम्र 36 साल है, मेरी उम्र के हिसाब से डॉक्टर द्वारा बताया गया। इतना तो नौजवानों में 10-5% होता है। हाँ बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ भैया भाजपा के जिलाध्यक्ष है, नौजवान है, बिल्कुल तेज तर्रार है और हर काम भैया संतुलन के साथ करते, तब तो बीपी इनका नॉर्मल रहता है। कैसे कब किसको मैदान में उतारना है और कैसे निकाय चुनाव में समीकरण को बैठाना है, इनसे बढ़िया कोई नहीं समझ पाएगा। आप लोग कार्यक्रम कीजिएगा वीडियो शेयर करना, कदम साहब से मिलेगी दबा दबा लंकस की, देखते भैया निकाय चुनाव में कौन बाजी मारता है और कौन बखदबाजी गर बन के रह जाता है।